दोस्तों, आज अगर आप घर के मुखिया नहीं हैं तो कल जरूर बनेंगे, और अगर आज आप घर के मुखिया हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता। उनके बनाए हुए प्लान पर आज के दिन भी बहुत सारे लोग चलकर कामयाब हो चुके हैं। तो आज का वीडियो जो घर के मुखिया हैं उनके लिए है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि परिवार का मुखिया का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। चाणक्य ने बताया है कि घर के मुखिया में अगर तीन आदतें होती हैं तो उनके परिवार पर आंच भी नहीं आ सकती। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि परिवार को एक डोर में बांधे रखने में घर के मुखिया का बहुत अहम भूमिका होता है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार में मुखिया का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका एक फैसला पूरे परिवार का भविष्य बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चाणक्य ने बताया है कि घर के मुखिया में अगर तीन आदतें हैं तो उसके परिवार पर आंच भी नहीं आ सकती। चाणक्य के अनुसार पहले पॉइंट की बात करें तो चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को आंखों देखी चीजों पर ही विश्वास करना चाहिए, यानी कि घर के मुखिया की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं। ऐसे में उसे कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी भी छोटे बड़े विषयों के हर पहलू पर गौर करने के बाद ही उसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं उनका परिवार बिखरने में टाइम नहीं लगती, और वह हर मोड़ पर धोखा खाते हैं। जो अपने विवेक और समझदारी से काम करते हैं उनके परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में चाणक्य कहते हैं जो घर के मुखिया के पास होना चाहिए वो है पैसों का मैनेजमेंट। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार अगर घर का मुखिया पैसों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करता है, बेवजह खर्चों पर लगाम लगा कर रखता है, उसका परिवार मुसीबत में भी एकजुट रहता है, उन्हें कभी धन की कमी नहीं होती। इस एक आदत की वजह से संकट के समय में भी परिवार की खुशियां बरकरार रहती है। दोस्तों, अगले पॉइंट और आखिरी पॉइंट में चाणक्य जो कहते हैं उसके बारे में बात करें, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आचार्य चाणक्य तीसरे पॉइंट में कहते हैं निर्णय पर डटे रहना, यानी कि जो घर के मुखिया होते हैं वो जो निर्णय ले लेते हैं उसके ऊपर में उन्हें डटे रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार का मुखिया पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति की तरह होता है, जो जैसा खड़ा होता है कतार में शेष लोग भी वैसे ही खड़े होते हैं। अर्थात घर के मुखिया के सदा अच्छे कर्म करने की भावना और सोच समझकर लिए गए निर्णय पर डटे रहने की आदत परिवार का भविष्य सुधार देती है। परिवार के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए घर के मुखिया का अपने फैसलों पर अडिग रहना जरूरी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जेके मानव मंत्रा ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर पहुंचाते हैं।